हमारा नाम मोहम्मद रसूल मियाँ पूर्व मुखिया गांव रसूलपुर पंचायत रसूलपुर पंचायत राज रसूलपुर प्रत्याशी सितारा बीवी उसका नेतृत्व तो हम कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा है जिनके लेके आपकी बहुत चुनाव में आ रही है? बहुत आ रही है कि जितना विकास का काम है वो कराएंगे, हम जनता का सेवा करेंगे। क्या क्या विकास, कैसे विकास? विकास का काम है जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और ये रोड है, नल जल है, ये सब हमको कर देखना है, देख उसको करना है। क्या लगता है अभी जो मौजूदा मुखिया जी हैं वो इस काम को नहीं कर पाए हैं? ना अभी तो हमारे देखने से यहाँ सक्सेस से अभी उतना जनरल नहीं है। नहीं, जो 10 नंबर अर्जन टोली है उसमें जनरल नहीं है, या 5 नंबर गांव टोली है, दूसरा टोली है वहाँ नहीं बना जनरल चल रहा है, बना हुआ है चल नहीं रहा है। नहीं, अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो क्या आप लोग मुखिया जी के पास गए? मुखिया जी के पास गए तो मुखिया जी अभी कोई जवाब नहीं दिए। हो जाएगा, मरम्मत हो जाएगा, आज तक मरम्मत नहीं हुआ, अब इलेक्शन आ गया तो अभी सवेरा वो क्या करेंगे तो जानते हैं, तो इलेक्शन का माहौल है अभी फिलहाल, यही चल रहा है। अभी चुनाव के समय ही आपने इस मुद्दे को पब्लिक के बीच लाया, इससे पहले भी आप ला सकते थे लोगों के बीच में थे? ना, इसके पहले भी हम जाते थे, अपने हम 5 साल मुखिया ही पंचायत का मुखिया रहे हैं, पूर्व मुखिया हैं हम। आप कब तक मुखिया थे? हैं कौन से कब से कब तक? हम 2011 से 16 तक थे। पिछले बार आप हार गए थे? हम फिर 16 में हार गए। क्या कुछ कारण था, क्या हार गए? उस पर अभी लेडीज था, हमारे पत्नी नहीं है। अच्छा। इसलिए हमने पत्तों को खड़ा कराया तो मैंने हार गए हम, लोग पैसा पर बिक गए। अच्छा, गांव में आप घूमते हुए क्या एक एक समस्या बताई जो बहुत जरूरत हो और वो नहीं हो पाया? मैंने अभी यहाँ दिक्कत तो ये जल नल अभी का दिक्कत है कैठो वार्ड में। अच्छा। हाँ, जिसका वो दिक्कत कहा जाए जो 5 नंबर वार्ड है उसमें है, ये नहीं है। चमतौली जो 10 नंबर वार्ड है उसमें भी नहीं है जल नल, वो है ये नहीं है। बहुत सरकारी योजना होता है जैसे राशन कार्ड हो गया, राशन कार्ड अभी बहुत लोग का बाकी भी है नहीं बना, बन पाया है। जैसे हमारे जो था उसको बनवा दिए, जो नहीं हमारा है वो नहीं बनवाए। हाँ, जो हमारे मन लायक था उसको बनवा दिए हमने, जो नहीं था उसको नहीं बनवाए। अच्छा, हाँ, यहाँ पे सड़क का क्या स्थिति है? सड़क का सड़क कुछ बाकी है और तो बना, हम अपने डिजिट में 6,500 फुट हमने PCC ढलवाया है, जो आज भी वर्तमान कोई जांच कर ले देख ले वो कहने से नहीं होगा, स्थल पर जाकर चेक कर ले जी बना हुआ है कि नहीं है। हमारे 2016 में हम बनवाए हैं उस 6,500 फुट रोड, आज भी वो फिलहाल उसी तरह जिस तरह 16 में ढलवाए वो भी आज भी वो सही है। आपने गांव में जो युवा है, युवा को आप कैसे बढ़ाइएगा, क्या कुछ सोचा है? गाँव हमने शिक्षा पर जोर देंगे, जितने के बाद स्वास्थ्य पर जोर देंगे, करें उसको चालू करवाएंगे। सर क्या करेंगे, यही मेरा कर्तव्य तो ये ना, जनता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, दूसरा जीतने के बाद तो यही ना करेंगे, दूसरा तो नहीं करेंगे। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि जनता को सरकारी योजना का जानकारी ही नहीं। हमारे पास जो सरकार फंड देगी तो हमने आम सभा कर जनता को बताएंगे जितने बार हमारे पास फंड सरकार की आई है और ये काम करना है, जनता जो कहेंगे वो करेंगे। जिस वार्ड में दरबार भी लगाना चाहिए? हाँ हाँ, दरबार लगाएंगे, पंचायत सरकार भवन बनाया है सरकार, उसमें हम दरबार लगाएंगे, बैठक कराएंगे, बुलाएंगे, आम सभा कराएंगे। हाँ, अगर जनता जनार्दन आपको पूर्णतः पूरा समर्थन दे देती है जी, अपने गांव का विकास के लिए कुछ योजना बनाया आपने? अभी तो अपने जो देखते हैं कि कहीं रोड नहीं बना हुआ, कहीं टूटा हुआ है, जो फिलहाल मुखिया बनाया वो भी रोड आज कर रहा है, जो फिलहाल मुखिया है वो अभी जो कुछ कराए हैं काम वो सही नहीं हुआ है, तो उसको भी हम देखेंगे, या जो बाकी है उसको पूरा कराएंगे। अंत में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही करेंगे जो जो आप कमी होगी उसको दूर करेंगे, हम जो जनता का सेवा करना है मेरा कर्तव्य बनता है, हम जनता को सेवा करेंगे, जो आपको कमी होगी वो हम सरकार से लड़कर पूरा करेंगे। अब
अपना एक बार परिचय बताएं। एक बार फिर परिचय। परिचय, हमारा नाम मोहम्मद रसूल मियाँ, पूर्व मुखिया, पंचायत राज रसूलपुर, अभी तो चुनाव में लड़ रहा है हमारे, फतूहर लड़ रही है।